घी के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंबाला में सीएम फ्लाइंग ने शिकंजा कसा है। एक कंपनी से मिली शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर कैंथल से अंबाला लाए जा रहे घी से भरे ट्रक को पकड़ा है। घी के ट्रक से टीम को 630 से ज्यादा डिब्बे नकली घी मिला है, जिन पर नामी कंपनियों के लेबल लगाए गए थे। शिकायत मिली है, ये नोवा कंपनी की तरफ से जो ऑथराइज है पर्सन मिस्टर मुनीश कुमार, उन द्वारा एक शिकायत दी गई है कि नोवा कंपनी के नाम के लेबल लगाकर दूसरे ब्रांड पे वो बेचा जा रहा है। तो उनको ये शिकायत मिली थी कि ये घी कैथल से आ रहा है। उन्होंने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को साथ लिया और उनको साथ लेकर इन्होंने यहाँ पे अग्रसेन चौक के पास उनकी वेट की। जैसे ही आए उनको रुकवाया है, रुकवा कर चेक किया, उसमें से तकरीबन 630 डिब्बे हैं जो एक एक लीटर के हैं और अलग अलग मार्क उन पे लगा हुआ है। सीएम फ्लाइंग ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जो उसमें ड्राइवर था राकेश कुमार था, उसको भी ले आए हैं और जो अन्य कंपनियों के लेबल लगे हुए हैं उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी। इसमें नोवा ब्रांड है, मधु ब्रांड है, पतंजलि है, रामपुर। भारी मात्रा में पकड़े गए नकली घी का कारोबार कब से चल रहा है और अब तक इस घी ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है? टीम इन सवालों के जवाब आरोपियों से मांगेगी और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।